स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस2टी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। मेरा लास्ट एपिसोड साइंस थर्सडे का था फ्यूजन के बारे में, अब हम लोग फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है जो इक्वल टू एम्स स्क्वायर का अप्लाई होता है कि अगर आप मैटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो आपको एनर्जी मिलेगा। वो एनर्जी बहुत होता है क्योंकि जो भी आप मास डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट में, वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है स्क्वायर ऑफ लाइट से, जो कि 2 लाख है। मतलब नंबर बहुत बड़ा है और उसके ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है, तो समझ लीजिए बहुत भारी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। और फिजन में हम लोग ब्रेक करते हैं, मतलब यूरेनियम को लेते हैं, अनस्टेबल है, उसको थोड़ा सा और पावर देते हैं, वो टूट जाता है और उसमें थोड़ी सी एनर्जी, वो मतलब थोड़ा सा वजन हल्का हो जाता है उसका, कि मतलब अगर जो बाहर निकला उसको भी आप जोड़ लीजिएगा पूरा वजन नहीं आएगा। तो ये उसका उल्टा है, इसमें हम लोग 2 हल्के चीज़ को लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन को लेके किया जा सकता है, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम लेते हैं, इसको जोड़ते हैं जोर से, मतलब एकदम जोर लगा के इसको जोड़ते हैं। तो जब जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है हीलियम और एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसा फिशन में होता है वैसा ही सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे वजन लॉस जो हो रहा है वो ज़्यादा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही वजन नष्ट हो गया कंपेयर टू आपका यूरेनियम के कंपेयर में। तो यहाँ बहुत एनर्जी मिलता है, भरपुष्ट एनर्जी मिलता है, तो आप ये समझिए कि, और ये किसी भी चीज़ के साथ किया जा सकता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे उतरिए, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम में आइए, ऐसे ऐसे करके आप नीचे उतरिए, जब तक आप आयरन पे नहीं पहुंचते, आयरन से ऊपर तक का जितना भी चीज़ है आप बना सकते हैं, उस पर फ्यूजन रिएक्टर आप बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, मतलब हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है हीलियम, अगर उसको आप फ्यूज़ कर पाए तो। और कभी भी आप सुनेंगे स्टार का डेथ हो गया, तो जनरली जो लोग कहते हैं कि स्टार फ्यूल ख़त्म हो गया स्टार का, ऐसा नहीं है कि स्टार में फ्यूल ख़त्म हो जाता है। मतलब जैसे देखिए, उसने हाइड्रोजन को पहले बनाया, हाइड्रोजन से हीलियम निकला, हीलियम उसके कोर में डूबा, हीलियम को उन्होंने फ्यूज़ किया, ऐसे फिर ऑक्सीजन बनाया, ऐसे ऐसे करके वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे आयरन पे पहुंचते हैं, आयरन को कंप्रेस करने में प्रॉब्लम ये था कि आयरन से आप आगे का चीज़ बना सकते हैं, दिक्कत ये होता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, वो एनर्जी खाने लगता है। तो इस कारण से स्टार जब उस स्टेज पे पहुंचता है जब उसका कोर आयरन बनाने लगता है, तब स्टार का देहांत हो जाता है बेसिकली। और तो आपको ये समझना हो, जब ये स्टार की पावर है, जब हमारा सूर्य उस पर चल रहा है, तो इतना इंटरेस्ट हम लोग को क्यों है उसमें? पहला ये समझिए कि जो चीज़ पे चल रहा है, मतलब जो ईंधन है, जैसे मैंने बताया कि भारत के पास बहुत बड़ा थोरियम रिजर्व है, लेकिन भारत के मतलब थोरियम ऐसा चीज़ नहीं है कि आप गए रोड पे रखा उठा लिया। हाइड्रोजन तो हर जगह है, मतलब हर पानी में हाइड्रोजन है, समुद्र में हाइड्रोजन है, मतलब आपको हाइड्रोजन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो इसका फ्यूल हर जगह है और सस्ते में है। दूसरा, ये सोलर पावर का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि सोलर पावर अभी बेस लोड पावर नहीं दे सकता, क्योंकि रात को तो वो सीधे बंद हो जाता है, और दिन में भी मान लीजिए थोड़ा सा बादल हो गया या थोड़ा सा बारिश हो गया या कुछ भी हुआ, पावर एकदम गारंटी नहीं रहता कि वो हर टाइम 24x7 देता रहेगा। तो उस कारण से उसको हम लोग ग्रिड में जोड़ने में बड़ा खतरा रहता है कि ग्रिड अनबैलेंस हो सकता है। तो या तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग को ग्रिड लेवल का, मतलब जो मेगावाट या गीगावाट में पावर स्टोर कर सके, ग्रिड पावर स्टोरेज के बारे में बात करना पड़ता है। तो ग्रिड पावर स्टोरेज ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। तो बेस लोड ना होने के चलते ये सब झंझट आ रहा है। ये आराम से बेस लोड देगा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे आपका आराम से दे सकता है कि भैया 500 मेगावाट है या 5000 मेगावाट है, जो भी उसका प्लांट का सिस्टम है, प्लांट का कैपेसिटी, वो उतना 24x7x365 जब तक उसका लाइफ है तब तक देता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा, ये कुछ देता नहीं है एटमॉस्फेयर में, मतलब आप देख रहे हैं ये सब जो आप देखते हैं ये सब कूलिंग टावर है, इससे एग्जॉस्ट नहीं निकला, ये स्टीम है। कूलिंग ये होता है एग्जॉस्ट टावर जो इस तरह का देख रहे हैं, जो बहुत ऊंचा होता है, वहाँ पे कोयले का एग्जॉस्ट दिया जा रहा है, बेसिकली वो CO2 डाल रहा है ना। CO2 कोई खास नुकसान नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर बहुत हो जाए एटमॉस्फेयर में तो वो जिस ग्रह पे हुआ है उसको जला देगा। वीनस जल गया इसीलिए, तो अगर आप अपना ग्रह नहीं जलाना चाहते तो आप चाहोगे कि हम ज़्यादा इसमें CO2 नहीं डालें, एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा डालते जाएंगे एक पॉइंट के बाद वो जला देगा प्लेनेट को। और ये आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को ग्रिड में कुछ होशियारी नहीं करना है, मतलब आप देख के बता भी नहीं पाओगे कि एक फ्यूजन पावर प्लांट है कि फ्यूजन पावर प्लांट है, कोई टेंशन नहीं होता, मतलब एकदम सिंपल ही दिखेगा। तो जो भी चीज़ हमारे पास है उसमें बस ये चीज़ ऐड कर देना है, तो ये इसका सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आइए इसके प्रो और कॉन के बारे में जानते हैं। प्रो, इसका पावर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आप सुनते हो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 11 टन कोल जितना पावर होता है अगर आप उससे निकाल पाए तो आप इफिशियंसी भी जान लो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% इफिशियंसी मिलेगा, लेकिन इफिशियंसी के बाद भी आपका हिसाब सीधा बनता है कि बहुत ऊर्जा मिलने वाली है। और आप एक जो पावर प्लांट बनाएंगे, ऐसा नहीं कि जैसे सोलर पावर प्लांट बहुत सस्ता होने वाला है, सस्ता हो गया है,
लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कई मेगावाट का चाहिए तो कई 100 हेक्टेयर का आप जमीन खत्म कर दे रहे हैं, इसमें वो टेंशन नहीं है। मतलब एक रिएक्टर बड़ा बनाइए या 2-3 छोटे छोटे बनाए, जनरली बड़ा बड़ा रिएक्टर बनाना सस्ता पड़ता है। शायद एक छोटा रिएक्टर बनाया जाएगा पीक पावर हैंडल करने के लिए, लेकिन जनरली एक बड़ा रिएक्टर बना के मतलब एक छोटे से जगह से, मतलब 1-2 हेक्टेयर के जगह से रिएक्टर के साइज से आप आराम से 1-2 गीगावाट का बिजली निकाल सकते हैं। बहुत पावर है, मतलब एकदम ठोस पावर है और इससे सेफ है। आप जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें ये बात कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में खुद कोई टेंशन नहीं है लेकिन उससे जो कचरा निकलता है वो कई हज़ार साल तक रेडियो एक्टिव रहता है, मतलब वो जानलेवा रहेगा कई हज़ार साल तक और बिना देखे ही आपको मार डालेगा। मतलब आपके इस दीवार के पीछे किसी ने रख दिया है और वो रेडियो एक्टिव है तो मैं इधर मर जाऊँगा। तो ज़मीन में गाड़ने से भी पहले बहुत नीचे गाड़ना पड़ता है और जनरली पथरीले जगह पर गाड़ा जाता है, खास करके उस जगह पर जहाँ पर या तो लेड हो या तो पानी ना हो एकदम, क्योंकि पानी सिप गया तो समझ रहे मतलब सबका पानी में जहर आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। और जो ईंधन लगेगा, मतलब थोरियम के साथ बहुत सारा हेडेक सॉल्व कर दे, थोरियम पानी जितना तो सस्ता नहीं है ना, तो इसका कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान ये बहुत रेडियो एक्टिव है, बहुत जगह आप लोग मिस कर देते हैं इस बात को कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं बना रहा, ये बात सही है। मतलब जो चीज़ इससे बाहर है, अगर रिएक्टर से जो बाहर निकल रहा है वो हीलियम है, मतलब बलून में आप डाल दो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये खुद मतलब इस जगह पे जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो बहुत रेडियो एक्टिव होगा। मतलब अगर आप उस जगह पे खड़े रहेंगे तो मर जाएंगे रेडिएशन से। और रेडिएशन छोड़िए, वो भी एक टेंशन है, उसके साथ न्यूट्रॉन फ्लक्स आता है, जो कि मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था कि एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकल रहा है, वो इतना पावरफुल है उस, और आप पढ़े ही होंगे क्लास में अल्फ़ा बीटा गामा, तो गामा रेज न्यूट्रॉन बेस्ड होता है। तो न्यूट्रॉन्स अगर बहुत निकल रहा है किसी जगह से, किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, वो उस चीज़ को रेडियो एक्टिव बना देगा, उस चीज़ को तोड़ भी देगा। मतलब और मैं तोड़ने का ऐसा नहीं बोल रहा, जैसे आप स्टील का एक प्लेट लिया उसको मोड़ के तोड़ दिया, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब स्टील पाउडर बन जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि पाउडर बन जाएगा धुआं की तरह उड़ने लग जाएगा, लेकिन मतलब समझ जाए उसके मॉलिकुलर लेवल पे एकदम एटॉमिक परमाणु के अक्षर साइज पे जाके डैमेज हो जाता है उससे, इसलिए वो टिकेगा नहीं ज़्यादा, मतलब हर कुछ साल में आपको बदलना पड़ेगा। और जितने भी डिज़ाइन अभी तक बनाए गए हैं उसमें से एक भी डिज़ाइन ऐसा नहीं है जो कोई बच्चा बना ले या कोई इंजीनियर बना ले, मतलब PhD से नीचे तो इसमें बात भी नहीं स्टार्ट करते, और कम से कम 25-26 PhD या 60-70 PhD होल्डर्स चाहिए होते हैं आपको। मतलब एक न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट कोई भी बना सकता है। हाँ, घर में नहीं बनाना चाहिए आपको क्योंकि मतलब रेडिएशन अगर आप हैंडल नहीं कर पाए तो खुद भी तो ऊपर जाएंगे और पूरा शहर को भी ऊपर ले चले जाएंगे, तो लेकिन ये तो कोई नहीं कर पा रहा है। मतलब अभी तक इतने सारे डिज़ाइन बनाए गए और एक भी पॉजिटिव पे नहीं चल रहा है। मतलब फ्यूजन करने के लिए हम लोग 1-2 मेगावाट डाल रहे हैं, वो बेयरली गर्मी दे रहा है 1-2 मेगावाट का, तो वैसे तो काम नहीं चलेगा। जिसको आप लोग सुनते होंगे थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर रहा है कि नहीं, मतलब एनर्जी पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब आप 10 मेगावाट डाले मैग्नेट चलाने में और वो बेयरली 5 मेगावाट दिया तो आप नुकसान ही हो गया, 10 मेगावाट सीधे शहर में भेज दो। तो सबसे पहले ये समझिए कि इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, कि बताइए 24 घंटे बिजली दे सकता है और खूब बिजली दे सकता है। मतलब आप पूरे एक देश को, जैसे भारत को, एक इतने बड़े देश को एक रिएक्टर से भी आप चला सकते हैं। बहुत बड़ा हो जाएगा रिएक्टर, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि ये अंधेर महंगा होता है। आपको जैसे मैंने सोलर पे बारे में एकदम स्पेसिफिक था कि आजकल सोलर इसलिए आगे बढ़ रहा है कि उसका दाम सस्ता होने लगा है। मतलब एंड में किसी को कोई लेना देना नहीं है कि एनवायरनमेंट का क्या होता है, लेकिन सबको लेना देना कि भैया सबके पॉकेट से क्या होता है। तो अगर इससे बिजली बनाना बहुत महंगा पड़ा तो किसी को कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई ध्यान भी नहीं देगा इस पे। बहुत हुआ तो 1-2 बना लेंगे कि ये मान लीजिए रात का बिजली, मतलब दिन में आप सोलर से आपका पावर आ रहा है, रात को ये सब रिएक्टर चलाया जा रहा है ताकि मतलब रिकवरी होता रहे आपका, मतलब रात को ग्रिड बंद ना हो जाए। और रीज़न इसका मतलब क्यों ऐसा हालत हो गया है वो ये है कि आप ये समझिए कि जब यहाँ पे प्लाज्मा बनाया जाता है, जो हाइड्रोजन का हम लोग जो प्लाज्मा बनाते हैं, जो कि मैटर का चौथा स्टेट है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, एक्चुअली मैटर के 5 स्टेट होते हैं, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के स्टेट पे वो इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज हो जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आता है, तो उसको हम लोग मैग्नेट से दबा देते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को ट्विस्ट करके ऐसा करते हैं कि वो दब जाए, जो कि ये इस डिज़ाइन में करता है। सब डिज़ाइन ट्विस्ट नहीं करता है, जैसे ये टॉकोमैक का जो नॉर्मल डिज़ाइन है उसमें सिर्फ आप एक टोरॉइड जैसा देखते होंगे जिसमें बस घूमता रहेगा, वो घूम घूम के टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे जब तक फ्यूजन नहीं हो जाता। तो जो वो प्लाज्मा है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे, मतलब बहुत जीरो है, आपको सोचना ही नहीं है उसमें बहुत जीरो है। प्रॉब्लम यह है कि वो तो गर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे निकालना है ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्ट उससे कुछ इंची पे जो मैग्नेट चल रहे हैं वो क्रायोजेनिकली कूल्ड है, मतलब आपका एक जगह पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और उसके बस एक फीट के अंदर माइनस
36 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखना पड़ रहा है। आप समझ लीजिए कितना झंझट है इसको बनाने में। ये इसका इनहेरेंट चीज़ है, मतलब इससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर टोकोमैक बनाना चाहे या इस डिज़ाइन का बनाएं या उस डिज़ाइन का बनाएं, फ़र्क नहीं पड़ता, ये तब भी आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए इसका दाम कभी सस्ता नहीं होने वाला। दूसरा कि ये हाइड्रोजन यूज़ करता है, बात सही है, लेकिन हाइड्रोजन के रेयर आइसोटोप्स यूज़ करता है, नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं यूज़ करता। मतलब आप इलेक्ट्रोलाइसिस से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हाइड्रोजन आप इसमें नहीं डाल सकते, आपको इसके लिए खास हाइड्रोजन चाहिए जो ड्यूटेरियम और टिटेरियम होता है, और उसमें से दोनों अवेलेबल भी नहीं है। और अगर हम लोग पूरा धरती से निचोड़ने लगे तो सिर्फ 1000 साल तक का फ्यूल निकलेगा। उम्मीद किया जा रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एंड में ऐसा होगा कि नॉर्मल हाइड्रोजन यूज़ कर पाएंगे। और आप समझिए कि अभी तक हम लोग इसको बनाए नहीं हैं, मतलब एक भी प्रैक्टिकल चालू नहीं है, लेकिन अभी तक अरबों से खरबों रुपया तक इसमें डुबाया जा चुका है। और अभी तक एक भी रिएक्टर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया कर रही है या सिर्फ चाइना कर रही है या सिर्फ कोरिया कर रहा है, सब कोई कर रहा है, लेकिन अभी तक एक भी रिएक्टर नहीं बना और करोड़ों रुपए डाल दिए जा चुके हैं। तो दाम के मामले में तो ये हमको किसी भी हालत में होप नहीं लगता है। लेकिन मैं भविष्य के बारे में एक चीज़ उम्मीद करता हूँ, अगर सब चीज़ सही चला, जैसे साइंटिस्ट लोग बात कर रहे हैं कि सब चीज़ सही चला, तो 2050 में, मतलब आज से कुछ साल बाद, मतलब लगभग 30 साल बाद, आपके पास होपफुली न्यूज़ आने लगेगा कि पहला रिएक्टर जो ग्रिड में पावर दे रहा है वो चालू हो चुका है, टेस्टिंग चल रही है। होप करना, उम्मीद की जाती, कोई बोल रहा है उससे पहले हो जाएगा, हो सकता है, असंभव नहीं है, मतलब फिजिक्स का कोई रूल नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। और फिर मैंने बताया कि भविष्य में हम लोग को जाके ऐसे पहुंचेगा, पहुंच जाएंगे कि हाइड्रोजन सीधा यूज़ कर, मतलब वो फैंसी ये नहीं यूज़ कर, मतलब ड्यूटेरियम एंड ट्यूटेरियम नहीं यूज़ कर सकते, सिंपल हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन उठा के डाल दो। और मैं इस पे बेट करूँगा, अगर मान लीजिए मुझे फ्यूजन पे बेट करना है तो मैं फ्यूजन पे, जनरल फ्यूजन जो है, जिसके बारे में मैंने लिंक दिया हुआ नीचे, उस पे बेट करूँगा कि उसकी डिज़ाइन जो है वो सुपर कंडक्टर नहीं यूज़ करती, सुपर कूल यू नो क्रायोजेनिक नहीं समझ, वो उसका आइडिया ये है कि एक प्लैनेट, मतलब एक स्टार, जैसे एक तारा है, जैसे सूर्य है, उसके कोर में गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब टेम्परेचर हम लोग उससे ज़्यादा बना लेते हैं, मतलब हमारे रिएक्टर में उससे ज़्यादा है, लेकिन वो फ्यूज़ इसलिए हो रहा है कि ग्रेविटी जो है, जो गुरुत्वाकर्षण है, उसको दबा दिए, एकदम कहीं दाएं बाएं जाने नहीं दे रही है। तो ये लोग इसको बाईपास कर रहे हैं कि प्लाज्मा मैग्नेट उगनेट को बोले कि भैया ठीक है से प्लाज्मा रखो, मैग्नेट हटा दो, मैग्नेट को ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा इंजेक्टर ऊपर से डाले, प्लाज्मा एक लिक्विड मेटल, मतलब एक पिघला हुआ लेड में, तालाब में, मतलब एक जो थर्मस जैसा है उसमें डाल रहे हैं, और जैसे ही वो थर्मस में प्लाज्मा सेंटर में पहुंचता है, ये सारे पिस्टन से उसको दबा देते हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा सिंपल है, मतलब इसकी कंपनी, जो भी प्राइवेट कंपनी इसे चला रही है, सिर्फ 60 PhD होल्डर्स हैं, मतलब ऐसे दिन भी आ गए 60 PhD होल्डर खाली एक तो कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद ये की जाती है कि ये डिज़ाइन इतना सस्ता है कि ये शायद एक्चुअली, मतलब शायद कल आपको एक्चुअली बिजली दे सके, क्योंकि ये डिज़ाइन में बहुत सारा चीज़ सिंपल है, तो ऐसा नहीं है ये भी आप घर में बना लो, लेकिन सिंपल है, मतलब किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस प्रेजेंटेशन में आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दो यार, नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिए, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कॉमेंट ज़रूर लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।